हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागरवंशीज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डिलीशियस पाव भाजी की रेसिपी, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। जी हाँ, हम घर पर ही मार्केट जैसी पाव भाजी बनाना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो अपडेट होती हैं वो आप तक ज़रूर पहुंच पाएँ और आप सभी वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। चलिए बिना देरी करें पाव भाजी बनाना सीखते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक प्रेशर कुकर रखेंगे। प्रेशर कुकर में हमने यहाँ तेल डाल दिया है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद आप इसमें एक चम्मच जीरा डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर एक चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरे को हम लाल होने देंगे। जब जीरा आपका यहाँ पक जाए तो आप इसमें आगे वेजिटेबल डालिए। मैं यहाँ सबसे पहले आलू डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर पाव भर के लगभग आलू डाले हैं, मतलब कि 250 ग्राम मैंने यहाँ पर आलू डाल दिए हैं। आप बारीक काट के इन आलू को यहाँ पर डाल दीजिए। आलू डाल देने के बाद आप इसमें फूल गोभी ज़रूर डालें। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ही फूल गोभी डाल दी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो पाव भाजी में ये डालें या नहीं भी डालें। मैंने यहाँ पर फूल गोभी डाली है। उसके बाद मैं यहाँ पर पत्ता गोभी डाल रही हूँ। पत्ता गोभी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ली है। पत्ता गोभी भी यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। मैं यहाँ पर 200 ग्राम के लगभग टमाटर डाल रही हूँ। जिसको भाजी खट्टी पसंद होती है वो इसमें ज़्यादा टमाटर डाल सकता है। मुझे भी यहाँ भाजी बहुत खट्टी पसंद है, तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के लगभग टमाटर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से चला दिया है। उसके बाद हमने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। ध्यान रहे आप पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, इतना ही डालें ताकि सब्ज़ी सारी पक पाए। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास से ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर पाव भाजी मसाला इसमें डालूंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पाव भाजी मसाला डाला है, आधा चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमने अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसको कम से कम 4 सीटी आने तक छोड़ देंगे। आप इसमें 4 सीटी आने दें। देखिए हमारी 4 सीटियाँ लग चुकी है। हमने इसको सीटी लगने के बाद भी 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। रेस्ट हो जाने के बाद हम इसकी बची हुई गैस भी निकाल रहे हैं। जब इसकी पूरी गैस निकल जाए उसके बाद ही आप इसका ढक्कन खोलें। ये देखिए हमने ढक्कन खोल दिया है। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जियाँ पक चुकी हैं। सारी सब्जी को आप चमचे की सहायता से मैश कर लें, आधी आप इस कुकर में ही मैश कर लें। मैंने यहाँ पर कुकर में मैश करने के बाद इसको अलग बर्तन में निकाल लिया था। ये देखिए मैं सारी सब्जी को अलग बर्तन में निकाल रही हूँ, ताकि हमें आगे जाके ये बहुत इजी पड़ेगा। भाजी में छोंक देने के लिए सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। उसमें अमूल बटर डालेंगे। अमूल बटर का आधा टुकड़ा आप कढ़ाई में डाल दें। मैंने यहाँ पर अमूल बटर कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, इसके पिघलने का वेट करेंगे। और इसमें थोड़ा सा तेल मिला दीजिए। मैंने यहाँ पर तेल मिला दिया है। हम यहाँ पर पूरा अमूल बटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो अमूल बटर का पूरा यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा तेल भी इसमें मिला दिया है। अब तेल और अमूल बटर को आपस में मिलने देंगे। इसको चमचे की सहायता से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अमूल बटर हमारा यहाँ पिघल जाएगा, उसके बाद हम इसमें सब्जी ऐड करना चालू करेंगे। तो देखिए अमूल बटर पूरा पिघल चुका है। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे। प्याज को अच्छे तरह तेल में पकाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप इसको डार्क ब्राउन ना पकाएं, खाली लाइट ब्राउन आपको इसको पकाना है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें डाल दी है। अब शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से पकाएंगे। दोनों को आप लाइट ब्राउन होने तक पकाएं। चमचे की सहायता से इसको चलाते जाएं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें।
इसके बाद हमने यहाँ पर फ्रिज में रखी हुई मटर डाल दी है। अभी मटर का सीजन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर फ्रिज्ड मटर इसमें ली है। इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करा है। ये तीखी कम होती है। मैंने यहाँ पर MDH पाव भाजी मसाला लिया है। आप कोई सी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यहाँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग पाव भाजी मसाला इसमें डाल दिया है। आप इसको अच्छे से चलाएंगे चमचे की सहायता से, मसाले को पकने देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको पकाते जाएं। जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तब तक आप इसको पकाएं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। इसको मिलाएंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कलर यहाँ आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो बॉइल सब्जी रखी थी वो हम सब इसमें डाल देंगे। ये हमारी भाजी को हम मसाले के साथ अच्छे से मैश करेंगे। चमचे की सहायता से इसको मिलाएंगे। ये अभी थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें पानी भी डालेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर रेड कलर का फूड कलर इसमें डाल रही हूँ। हम यहाँ पर मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए मार्केट वाले रेड कलर ज़रूर यूज़ करते हैं तो हम भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेशर लिया है। मेशर की सहायता से मैं पूरी भाजी को मैश करती जाऊँगी। आपके पास अगर मेशर नहीं है तो आप किसी भी बर्तन से इसको मैश कर लें। बर्तन का जो नीचे का तला होता है वो फ्लैट होना चाहिए बस। देखिए मैंने यहाँ पर सारी सब्ज़ी मैश कर ली है। कितनी अच्छी तरीके से हमारी सब्ज़ी स्मूथ मैश हुई है। सब्ज़ी का एक टुकड़ा भी इसमें नहीं दिख रहा है। मैंने यहाँ पर एक नींबू इसमें डाल दिया है। नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ गार्निश करने के लिए। ये देखिए हम पाव भाजी को थोड़ा और पकाएंगे। 2 से 5 मिनट आप इसको और पकाएं। धनिया डाल देने के बाद इसको चम्मच की सहायता से चलाते जाएं। अब हमारी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो फ्राई करेंगे। पाव को फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा वाला पैन लेंगे। बिल्कुल फ्लैट पैन यहाँ ले लिया है हमने। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें एक बटर का टुकड़ा डाल देंगे। बटर में ही आप पाव को फ्राई करें। उसके बाद हमने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर धनिया पत्ती डाल दिया है। हम फ्लेवर वाले पाव यहाँ पर पका रहे हैं तो हमने यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इस पर पाव रख दिया है। पाव को आप सभी तरफ से अच्छे से पकाएं। हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप इसको अच्छे से पका सकते हैं। आप इसको सेकते जाएं सब तरफ से। देखिए मैं कैसे सेक रही हूँ। ये हमने यहाँ पर मसाले वाला पाव तला है तो अच्छे से आप इसमें पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च या फिर और भी दूसरे मसाले डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पाव भाजी मसाला ही डाला है। अब मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। आइट साइड से, किनारों से, सब तरफ से आप इसको अच्छे से पकाएं। थोड़ा वक्त लेके आप इसको बहुत अच्छे से पकाएं। इसके बाद हमारा सेकंड पाव यहाँ पर पकने के लिए आ रहा है। वापस से हमने इसमें बटर डाल दिया है। बटर को सभी तरफ फैला लेंगे। बटर को पिघलने देंगे। उसके बाद हमने इसमें 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, फिर से हमने धनिया पत्ती, सारी प्रोसेस हमने फिर से वही करी है। उसके बाद हमने यहाँ पर पाव को इसके ऊपर डाल दिया है। अब पाव को हथेली की सहायता से दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक रहे हैं। ये देखिए हमारा पाव बिल्कुल सिक कर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा ये पाव भी अच्छे से सिक चुका है। पाव फ्राई हो जाने के बाद हम यहाँ पर प्लेटिंग करेंगे। क्योंकि हमने ये मार्केट स्टाइल में बनाई है तो बिल्कुल मार्केट वाला हम लुक यहाँ पर इसको देंगे। तो चलिए मार्केट वाले भैया की तरह हम इसको सजाना शुरू करते हैं। हमने एक प्लेट में प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च ले ली है। साइड में हमने पाव जमा दिया है और इसमें एक तरफ भाजी परोस दी है। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका लुक आ रहा है। ऐसी रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।